कुंभ राशि वालों का राशिफल 2024। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के स्टोरी पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में कि 2024 में कुंभ राशि वालों का यह साल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुंभ राशि वालों का यह वर्ष आर्थिक तौर पे समृद्धि भरा रहेगा और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। मार्च से सितंबर और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक का समय खूब आर्थिक उत्कर्ष का है। जनवरी और फरवरी व्यय भरा रहेगा। यह वर्ष राजनीति से संबंधित जातकों के लिए सफलता और प्रतिष्ठा भरा होगा। उच्च नेताओं से अच्छे संबंध आपको लाभान्वित करेंगे। प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष बहुत श्रेयकर रहेगा। श्री हनुमान जी की उपासना आपको सफलता ही सफलता दिलाएगी। अगर बात करें इनके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सुख मध्य है। श्री हनुमान भक्त बने, श्री बजरंग बाण का पाठ करें, किसी शिव मंदिर के पास पीपल या बेल का पेड़ लगाएं। हड्डी की समस्या और बीपी आपको परेशान कर सकती है। गरीबों में अन्न और वस्त्र का दान करें। शिक्षा के बारे में अगर कहें तो शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। जो छात्र कंपटीशन विशेषकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वर्ष आशातीत सफलता होगी। तकनीकी तथा प्रबंधकीय सेक्टर के विद्यार्थी सफल रहेंगे और विदेश जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके दाम्पत्य जीवन की तो कुंभ राशि वालों इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। संतान के विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। प्रेम में विश्वास और सत्य को बनाए रखें। प्यार में विश्वास और समर्पण ही सब कुछ है। जीवन साथी ही सत्य बोले। क्रोध आपके प्रेम में बाधा ला सकता है। यह वर्ष उपलब्धियों का है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन का आगमन तो होगा ही, कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। उपाय: शिव पूजा और हनुमान जी की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।